कह रहे यहाँ पे गंगा रखा था ना काय
sie an die Dinge nicht sagen. Ja. साइड एरिया का नाम नेट से निकाल के ना एक मैप बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग कि अपनी लाइन क्या रही और फिर उसमें वीडियो वीडियो एडिट करके फिर बनाते हैं। तेरे कितने वो हो गए सब्सक्राइबर चैनल पे? ज़्यादा नहीं, 5-10 हज़ार होंगे। 5-10 हज़ार क्या ज़्यादा नहीं है तो 2000 के बाद तो पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर से पैसे तब आते हैं जब आपकी व्यू होती है। अच्छा, अब बंदा सब्सक्राइब करके और आपके व्यू नहीं देख रहा है, वीडियो नहीं देख रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा? रेवेन्यू नहीं आते ना इसमें। हम फिर अकाउंट भी बना सकते हैं ना बहुत सारे। अकाउंट तो बना सकते, बस कितना बना लेगा? खाली अकाउंट बनाना थोड़ा होता है, रोज के 10 बनाएगा तो सब्सक्राइबर के पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं 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 व्यू के कह रहा हूँ, व्यू जैसे कोई भी दोस्त मिला उसके फोन से तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तू अकेला भी 10 बार वीडियो को देखेगा तभी व्यू काउंट होती है 10। अच्छा, हाँ उससे जरूरी नहीं है कि 10 अकाउंट बना के तुम व्यू करनी है। अगर मैं अभी ये वीडियो देखा फिर बंद कर दिया, फिर से वही वीडियो फिर से देखा ना, तो 2 काउंट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यू हर टाइम कोई भी ओपन करता है, ओपन करते ही वो एक व्यू काउंट हो गया। इसके लिए फिर तू एक काम कर सकता है, व्हाट्सएप पे सबको फॉरवर्ड कर दे लिंक। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देख एक चीज़ होती है, एक इसमें और एक आता है पेड वाली आती है। हाँ। पेड सब्सक्राइबर आते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये दोगे तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। पैसे भी आते हैं बट उस तरह से तुम्हें जेन्युइन यूज़र नहीं मिलते हैं। देख जिसके माइंड में होता है कि एक ही वीडियो मैं बनाऊंगा और बंदे देख लेंगे, हो गया मेरा, बहुत सारे फ़ायदा नहीं होता है। आपको उस तरह के व्यूअर होने चाहिए, उस तरह के सब्सक्राइबर होने चाहिए डेली आपको व्यू देखे, आपको वीडियो देखे, तभी आपको फ़ायदा है। मैं डेली वीडियो बना के डालूंगा और कोई देख ही नहीं रहा है, खाली सब्सक्राइबर बढ़े, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए कोई बात है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा इस पर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। बाकी जिसपा से था ना मोड, जिसपा हाँ कोई लगे, अभी तो कैलोंग आया नहीं ना, कैलोंग के बाद ही आएगा।
फटाफट मौसम मिलेगा बंदा ने फटाफट फटाफट बोल दिया मैं चले चार फ्लोर में जैसे अपना ट्रिप हो अपना प्रॉपर्टी हो अपना एक ट्रिप बना के पहला स्टे है और यहाँ से अगला सीधा लद्दाख मतलब मनाली सीधा ड्राइव रोहतांग पास क्रॉस करते हो यहाँ पे लाओ पहला स्टॉप ही है और सीधा फिर ले अपना
है क्या कोई? Yes.
Stone cold with the flames.
वालों ने अपनी तरफ अपना तरफ का रोड बनाया हुआ है, जे एन के वालों की तरफ का रोड नहीं बनाया। जे एन के वालों का वो अपना उनका पूरा कहाँ है? नहीं, वो सारे बीआरओ का ही आता है। तो जो एरिया सब लाया जो टूटा है ना, वो मोस्टली लैंडस्लाइड एवलेंस एरिया होता है। तो हर साल क्या होता है, उस अलग बनाएगा तो हर साल वो आता है, बर्फ जमा मतलब आसपास में फटेगा ही फटेगा। तो वो एरिया तो हमेशा जम्मू से हम वहाँ से जो आए थे, कितना बढ़िया रास्ता था आधे तक, जहाँ पे भी पास आ जाता है ना पास और ये रोड का, यहाँ पे तो यहाँ पे बर्फ बर्फ का एरिया नहीं, बर्फ उस तरह का एरिया। और वहाँ पे अगर रोड बनेगा तो डेली फटेगा, हर साल फटेगा। इसलिए वो जो ऊपर वाला एरिया में दिक्कत हुई। ब्रो का ऑफिस आ गया।